नमस्कार अभिवादन स्वीकार कीजिए टीम ओमेगा के सभी सदस्यगणों का। मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का ओमेगा करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर NMC नेशनल मेडिकल कमीशन भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग ने आने वाली आगामी नीट 2024 की परीक्षा के लिए क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या अपडेट किया है, क्या कुछ अपडेट किया है, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NMC नेशनल मेडिकल कमीशन भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग नोटिफिकेशन फॉर नीट 2024। यहाँ नीचे देखिए गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। यहाँ देखिए उसकी फोटो लगाई गई है, उसकी भी एक कटिंग लगाई गई है। तो साथियों सबसे पहले जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे लगा है भारत का राजपत्र। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से निकाली साथियों? हमने निकाली है हमारी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nda.nic.in से, वहाँ से ये हमने सब कुछ निकाला है। देखिए जब आप वहाँ जाएंगे तो ये भारत का राजपत्र, ये जानकारी जो है जो हम अभी आपको देने जा रहे हैं 2 जून को प्रकाशित हुई थी, 2 जून को ये रिलीज की गई है, जिसको आज हम आपको बता रहे हैं। ये 2 जून का नोटिफिकेशन है जिसको आज हम आपके सामने अभी पेश करेंगे, मतलब इसका एक सटीक विश्लेषण देंगे कि आखिर क्या क्या बदलाव, क्या परिवर्तन, क्या अपडेट किया गया है। तो सबसे पहले साथियों इसको 3 फेज में हम समझेंगे। पहली चीज एलिजिबिलिटी, नीट की जो एलिजिबिलिटी है उसमें क्या कुछ अपडेट किया गया है। तो पहली चीज है एलिजिबिलिटी, नीट एलिजिबिलिटी। ठीक, तो अभी तक जैसे क्या था कि अभी तक जब आप नीट का एग्जाम 2023 तक आपने दिया तो किसी प्रकार की कोई एज की लिमिट नहीं थी कि कितने साल तक लोग मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो अभी भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखा गया है, एज लिमिट अभी भी वही है, किसी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे ही अभी तक आपने एग्ज़ाम दिया तो ये भी नहीं था कि आपने 3 बार दिया कि 5 बार दिया, या लगातार जब से आप मतलब काबिल हो गए इसके देने लायक तब से लगातार दे रहा है। तो कुल मिला के जो अटेम्प्ट की लिमिट है वो भी अनलिमिटेड ही है। अभी भी इसमें कोई प्रकार कुछ मेंशन इन्होंने नहीं किया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, अब देखिए जनरल कैटेगरी के लिए अगर जो बच्चा इस मतलब नीट के एग्जाम में 2024 में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो इसका हिस्सा बनना चाहता है, उसका कक्षा 12वीं में क्लास 12th में PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम में से 50% रिजल्ट होना चाहिए। जो बच्चा कक्षा 12वीं में इस साल कक्षा 12वीं में 50% रिजल्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ लेकर आएगा वही जनरल कैटेगरी का बच्चा नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएगा। दूसरा SC ST OBC या EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, जो इस क्राइटेरिया में आते हैं, वो 40% इन PCB क्लास 12th, यानी जो SC ST OBC या EWS में आते हैं उनके लिए कक्षा 12वीं में इस साल जो लोग नीट 2024 में का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये है कि वो कक्षा 12वीं में उनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को मिला के 40% रिजल्ट होने चाहिए, 40% रिजल्ट होना चाहिए। ये हो गई जो इतनी बात। अब देखिए अगली बात, एक जो बदलाव बड़ा किया गया है वो देखिए। अभी तक जो मिनिमम एज की लिमिट थी, मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए नीट में पार्टिसिपेट करने के लिए, कोई कैंडिडेट है उसकी उम्र जो मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो अभी तक जो मिनिमम थी वो ये थी कि 17 ईयर होनी चाहिए, 17 साल, बट इसको अपडेट किया गया है। अब ये जो लिमिट है ये 16 साल, अब जो है 16 साल। जिस साल आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देंगे उस साल जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो 31 दिसंबर के पहले तक आप जो है 16 साल की हो जानी चाहिए। तो ये 16 साल हो गई है, 16 साल, 16 ईयर, एक साल इसको जो है कम कर दिया गया। अभी तक 17 थी, अब 16 साल कर दी गई। अब ये जो आखिरी पॉइंट है हमारा, इसको समझिएगा, नीट स्कोर कंपलसरी फॉर ऑल, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंपलसरी फॉर ऑल का मतलब है जो लोग यहाँ अपने यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो तो जाहिर सी बात है इसी के थ्रू जाएंगे ही, नीट के स्कोर की वजह से या नीट के एग्जाम की वजह से। प्राइवेट कॉलेजों में भी जो जाएंगे उनके लिए भी है कि आप कम से कम पासिंग मार्क आपको होना चाहिए। बट जो फॉरेन में जा रहे हैं, जो विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, स्वदेश में जो कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक ही ठीक है, जो विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं उनके लिए भी नीट का जो स्कोर है वो कंपलसरी है। मतलब आप नीट को में नीट का एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा और नीट में भी आपको पासिंग मार्क चाहिए ही चाहिए। अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, इंडिया में आके दोबारा आपको प्रैक्टिस भी करनी है, भारत में काम करना है, तो इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको पासिंग मार्क जरूरी है। ये जो है एलिजिबिलिटी की हमने बात की, नीट की एलिजिबिलिटी की। अब दूसरी बात करते हैं कॉमन काउंसलिंग, एक शब्द ये है कॉमन काउंसलिंग। सपोज दैट, पहले इस चीज़ को आप समझिएगा इसको कैसे हम समझेंगे।
हम एक कॉलेज का नाम लिखते हैं, हमने मान लीजिए नाम लिख दिया KGMU लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आप समझ पा रहे हैं लखनऊ में है, भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में ये यूनिवर्सिटी है KGMU लखनऊ। इसका कॉलेज है KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। मान लीजिए KGMC में आपको एडमिशन लेना है, आपके नीट में आ गया नंबर ठीक ठाक। अब आपको मान लीजिए KGMC में एडमिशन लेना है और आप मान लीजिए यूपी के ना होके किसी और राज्य के हैं और आप चाहते हैं कि आपको यूपी के लखनऊ शहर में जो KGMC कॉलेज है वहाँ एडमिशन मिल जाए, तो इसके लिए जो होते थे अभी तक जो चांसेस होते थे वो ये होते थे कि जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ है वो मात्र 15% है कि आपको लखनऊ में मौका मिलेगा। पर जो व्यक्ति, क्योंकि आप किसी और राज्य से तुलना, मान लीजिए जैसे कि आप, हमने बोला आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो है लखनऊ का कॉलेज मिल जाए, तो आपको आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ है 15% की। पर मान लीजिए बट अगर इस यहीं पर कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो उसके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ है कि 85% कि वो जो है पहुँच सकता है। हाँ, वो योग्य, मतलब उस हिसाब से उसकी योग्यता हो, उस हिसाब के उसके मार्क्स हो नीट में, ठीक। अब इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि आखिर ये कॉमन काउंसलिंग जो शब्द है इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए, जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके दो प्रोसेस हैं। पहला क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा। आप क्या करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग कराते हैं। दूसरा क्या होता है, स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो 15% होती है, 15%। स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो 85% होती है। कितनी? 85%। हमने जैसे समझाया कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश का KGMU कॉलेज लेना चाहते हो और आप राजस्थान के हैं, तो आपके लिए जो राजस्थान के व्यक्ति और आपको यूपी का कॉलेज लेना है तो आपकी पॉसिबिलिटी मात्र 15% की है। बट जो यूपी में रह रहा है, अगर उसके भी उतने मार्क्स हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज 85% है कि उसको अपने स्टेट का कॉलेज मिल जाएगा, बट आपके लिए 15% ही है। तो वही यहाँ लिखा है कि ऑल इंडिया कोटा मतलब हमने पूरे भारत की बात की, राजस्थान उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्य हैं, ये भारत के हिस्से हैं, तो ऑल इंडिया कोटे में आ गए। और स्टेट कोटा मतलब जो एक ही राज्य के अंदर की बात हो, ऑल इंडिया कोटा के पास कितना होता है, 15%, और स्टेट कोटा के पास कितना होता है, 85%। अब ध्यान से समझिए, जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें भरी जाती है वो किनके थ्रू भरी जाती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS, इनके थ्रू ये सारी सीटें भरी जाती हैं। ये किसके अधीन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होती है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये होती हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के जो है अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ देखिए, इसको जो है ये जो 85% सीटें भरी जाती है, स्टेट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज SDHS, ये किसके थ्रू भरी जाती है, इसको ये किसके अंडर में आती है, ये आती है स्टेट गवर्नमेंट में। आप जिस भी राज्य के रहने वाले, अगर मैंने KGMU की बात की तो जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आती है, और इसको किसके अधीन भरा जाता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो है उस वजह से भारत इसको भरा जाता है। मतलब ये स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है वो यूपी का, उसके अंडर में ये सारा काम होता है, प्रोसेस होता है। अब देखिए, हम इसको ऐसे समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए AIQ लिखा ऑल इंडिया कोटा और दूसरा लिखा स्टेट कोटा। मान लीजिए राउंड 1, ये राउंड 1 है, फिर राउंड 2 है, फिर मॉपअप राउंड है, फिर स्टे राउंड है, ठीक है। नीचे भी स्टेट कोटा में भी यही होता है, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड, स्टे राउंड। अब ये चीज़ें समझिए, आखिर ये कॉमन काउंसलिंग का मतलब क्या है। आपने ऑल इंडिया कोटा से, आपको लगा KGMU मिल जाएगा, आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपने ऑल इंडिया कोटा से करा ऐसे 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 करके, ठीक। मान लीजिए आप स्टेट कोटा के रहने वाले हैं तो आपने स्टेट कोटा से ट्राई किया जैसे ऐसे, तो उसमें होता क्या है कि पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से भरते हैं 15% के चांसेस होते हैं, शायद आपके अलावा किसी और राज्य से भी कोई भर रहा हो तो उस कॉलेज में ज़्यादातर लोगों की डिमांड हो कॉलेज, तो फिर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल पाता है। मान लीजिए आपकी बहुत इच्छा है, आप काबिल भी हैं कि आपको KGMU मिल जाए, बट आप एक राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के ना होने के कारण, आप राजस्थान के होने के कारण आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑल इंडिया कोटे से करा रहे हैं काउंसलिंग, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ मात्र 15% है। बट अगर आप यही यूपी के रहने वाले होते तो आपके पास 85% का चांस था 85% की संभावना थी कि आप वहाँ पहुँच जाते। तो इस चीज़ के लिए जो बीच में ये गोलमाल हो रहा है साथियों, इस चीज़ के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा सीटें हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कह सकते हैं राइट्स हैं कि 85% उनके पास है, 15% यहाँ है ऑल इंडिया कोटा के पास। मतलब भारत में अगर किसी भी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी किसी भी राज्य में दखल देना चाहे इस मेडिकल की सीट भरने में, तो वो मात्र 15% की उसका
उसकी दखलअंदाजी, मतलब 15% सिर्फ 15% हिस्सा उसके अंडर में है। बट अगर राज्य की बात की जाए, राज्य सरकार की, जिस भी राज्य की बात है, तो वहाँ 85% उस राज्य की सरकार के पास वो अधिकार है। तो यूपी में क्या है, 85% किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है, और 15% किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एक सिस्टम लाया जा रहा है जिसको कहते हैं कॉमन काउंसलिंग। कॉमन काउंसलिंग में क्या होगा, ये जो स्टेट और ऑल इंडिया कोटा है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, मान लीजिए आप राजस्थान के रहने वाले हैं या आप बिहार के रहने वाले हैं, और आपको दिल्ली का कॉलेज चाहिए, MMC मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, या आपको लखनऊ का कॉलेज चाहिए, या आपको एम्स पटना चाहिए, या आपको कोई भी कॉलेज चाहिए, भोपाल का कोई कॉलेज चाहिए, कोई भी अगर आप कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लेना चाहते हैं, तो आप अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी कॉलेज को ले सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का ये क्राइटेरिया नहीं होगा कि आप किस राज्य के हैं उसी राज्य में आपको कॉलेज मिल जाएगा, या अगले राज्य में आप लेना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ कम है। ये क्या हो जाएगा, कॉमन काउंसलिंग हो जाएगी। कॉमन काउंसलिंग मतलब चाहे आप किसी स्टेट में लेना चाहें, चाहे अपने होम स्टेट में लेना चाहते हैं, आप जिस आपका जो गृह राज्य है, कहीं भी आप लीजिए, आपको उतना ही, अगर आप जिस योग्य हैं तो आपको कहीं भी पूरे इंडिया में कॉलेज मिल सकता है। ये आने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है कि आपको ये जो कदम है बहुत फायदेमंद है उन सभी साथियों के लिए जो कि अपना पसंदीदा कॉलेज लेना चाहते हैं। मतलब उनके मार्क्स उतने हैं कि वो कॉलेज के GMC पहुंच सकते थे, बट एक राज्य में ना होने के, ना यूपी के ना होने के वजह से उन्हें नहीं पहुंचना पड़ा। तो अब जो है, आप चाहे राजस्थान के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, कहीं की भी हो, आपको यूपी का कॉलेज लखनऊ में KGMC मिल जाएगा, आपको पटना का कॉलेज एम्स मिल जाएगा, आपको कहीं का भी कॉलेज दिल्ली का MMC मिल जाएगा, जहां का भी जो कॉलेज आपको चाहिए आपको मिल जाएगा कॉमन काउंसलिंग के थ्रू। हाँ, आपके पास उतने मार्क्स होने चाहिए जो वहां पे लिया जा रहा है, ठीक। तो ये दूसरी चीज़ आपने सीखी। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये है टाई ब्रेक। टाई ब्रेक क्या है, पहले इसको समझिएगा। टाई ब्रेक क्या है, टाई ब्रेक क्या होता है साथियों, मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और नीट के एग्जाम में आपके 720 में 720 मार्क आ गए, छोड़िए 720 क्रॉस कर रहे हैं, 720 नहीं, मान लीजिए आपके 660 आ गए और दूसरे व्यक्ति के भी 660 नंबर आ गए, आपके भी नंबर 660 है नीट के एग्जाम में, अगले व्यक्ति के भी 660 नंबर आ रहे हैं, और साथ ही 500 या 1500 लोगों के, 1500+ लोगों के नंबर सेम आ रहे हैं, 660 सेम आ रहे हैं, 660 नंबर आ रहे हैं, सभी लोग एक ही कॉलेज चाहते हैं। कॉलेज क्या है, MAMC मौलाना आज़ाद, हालांकि इतने मिलेगा नहीं, MAMC सभी लोग चाहते हैं कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज सभी को मिल जाए, ठीक है। सभी की चॉइस है कि सभी को MAMC चाहिए, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज चाहिए। अब इस केस में गवर्नमेंट के पास बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर किस आधार पे, किस वजह से, मान लीजिए स्टेट काउंसिलिंग में दिल्ली के ही सभी लोग रहने वाले हैं, सपोज दैट मान लीजिए सभी लोग दिल्ली के ही रहने वाले हैं, दिल्ली के ही रहने वाले हैं, स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू मान लीजिए सभी लोग दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अब सभी को चाहिए ये कॉलेज, और इस कॉलेज तक पहुंचने के लिए सभी के मार्क्स हैं सेम, तो अब ये बात है कि सीटें मान लीजिए 1500 लोग हैं दिल्ली के रहने वाले हैं, 1500 से ज़्यादा, और 1500 से ज़्यादा लोगों के 660 मार्क्स हैं, सभी लोग MAMC चाहते हैं, और MAMC में सीट कितनी है मान लीजिए 200 सीट्स हैं, तो ये 1500 लोगों को कैसे भरा जाए, कैसे उसमें फिल्टर किया जाएगा कि कौन इस लायक है यहाँ पहुँचने लायक। तो इसके लिए एक सिस्टम क्या लाया गया, जैसे देखिए अब सभी की 660 नंबर आ रहे हैं, अब कैसे इनको फिल्टर किया जाएगा कि कौन वहाँ पहुँचने के लायक है कौन नहीं है, तो इसके लिए एक नया सिस्टम निकाला गया, वो ये है जिसके फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, इन 1500 से ज़्यादा लोगों में जिसके सबसे ज़्यादा फिजिक्स में नंबर होंगे उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद जिसके केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर होंगे उसके बाद उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और फिर सबसे आखिर में बायोलॉजी वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों में अगर इसका रेशियो निकाला जाए 1500 सीटों का, तो जाहिर सी बात है फिजिक्स में भी जो टॉप वाले होंगे वही पहुँच पाएंगे, केमिस्ट्री तक तो ये पहुँच ही नहीं पाएगा काफिला, बायोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब फिजिक्स में जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, अच्छे नंबर होंगे, उन्हीं को MAMC में मौका मिलेगा। तो ये जो है टाई ब्रेक, टाई ब्रेक का मतलब है कि
अगर सेम नंबर दो लोगों की आ रहे हैं, दो से ज़्यादा 500,000 जितने लोगों की आ रहे हैं उनको कैसे फिल्टर किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने निकाला कि फिजिक्स में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे पहले उसको मौका दिया जाएगा, फिर जिसकी केमिस्ट्री में नंबर ज़्यादा होंगे फिर उसको मौका दिया जाएगा, फिर आखिर में जिसकी बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसको मौका दिया जाएगा। तो आप 1500 सीटों का अगर निकालें, 200 सीटें मेडिकल कॉलेज में है, 200 सीट्स ऑनली मेडिकल कॉलेज में है, तो 1500 सीटों के लिए तो भाई फिजिक्स में भी जो सबसे टॉप होगा वही पहुँच पाएगा, केमिस्ट्री वाले तक तो संभावना है कुछ पहुंचने की, बायोलॉजी वाला तो बेहद दूर रह जाएगा। तो ये सिस्टम है। मान लीजिए उसके बाद भी किसी केस में ऐसा होता है कि तीनों में किसी के बराबर हैं, मान लीजिए 660 आ रहे हैं, किसी व्यक्ति का तीनों में सेम है, तीनों में सवाल नंबर सेम है, फिजिक्स में भी उतने हैं, केमिस्ट्री में भी उतने, बायोलॉजी में भी उतने ही हैं जितना कि इस व्यक्ति का है। अगर इसका दोनों का सेम है और दोनों व्यक्तियों के फिजिक्स में भी उतने ही है, केमिस्ट्री में भी उतने हैं, बायोलॉजी में भी उतने हैं, मतलब इनके बीच नहीं निकाला जा पा रहा है कि कैसे किसको फिल्टर किया जाए, उसके लिए इफ एनी केस, अगर ऐसा कोई केस बनता है तो उसके लिए क्या है, इफ एनी केस ऑल आर सेम सो कंप्यूटर लॉटरी सिस्टम है। कंप्यूटर लॉटरी क्या है, कंप्यूटर से लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद जो उसमें लॉटरी को जीत जाता है, लॉटरी जिसको मिल पाती है वो यहाँ अधिकारी होगा पहुँचने का। समझ पा रहे हैं, मतलब ये है कि अगर 660 दो लोगों के आए हैं, दो से ज़्यादा लोगों के, 500,000 किसी के भी आ रहे हैं, और मान लीजिए कि उसमें उनको फिल्टर करना है कि एक ही कॉलेज सभी की चॉइस है, तो उनको वहाँ पहुँचाने के लिए क्या किया जाएगा, जिसके सबसे ज़्यादा फिजिक्स में होंगे पहले उसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, उसके बाद जो केमिस्ट्री में होगा उसको रखा जाएगा, उसके बाद आखिर में बायोलॉजी वाले को रखा जाएगा। बट अगर मान लीजिए कि तीनों जो बच्चे हैं उनके तीनों में सेम है, दो चार बच्चे ऐसे हैं, दो चार लोग ऐसे जिनके सभी के सेम नंबर है, फिजिक्स में भी उतने हैं, केमिस्ट्री में भी उतने हैं, बायोलॉजी में भी उतने हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा, कंप्यूटर लॉटरी सिस्टम लगाया जाएगा, कंप्यूटर लॉटरी सिस्टम यूज किया जाएगा, इसमें जो भी लॉटरी में जीतेगा उसको मौका दिया जाएगा। तो ये आपने जानी NMC की, नेशनल मेडिकल कमीशन, भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग की क्या रिपोर्ट थी नीट 2024 को लेके। हाँ, एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, वो ये थी कि जो अभी हमने बताया कि कॉमन काउंसलिंग सिस्टम है, ये शायद नीट 2023 में ही लागू कर दिया जाए, इसकी संभावना है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ संभावना है, इसको पूरी तरह से मैं पूरी जिम्मेदारी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ संभावना है। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।